आप बताओ आपका सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है टेकन में? मैं तो कह लूंगा पॉल से, मेरा फेवरेट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा हूँ मैं? साफ सुथरा नहा धो के बाल बाल सेट करके एकदम रेडी हो गया हूँ। आज का दिन है 8th day, सो वेलकम टू माई व्लॉग। आज कुछ खास काम नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी है। और कल मैंने आपको बताया था ना, मैकबुक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था यार, इतना परेशान हो गया था पूछो मत। तो उसने इतना परेशान किया, मैंने वंडर शर्ट पेड वर्जन डाउनलोड कर लिया था, 1700-1800 रुपये का मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, और मुझे इसको यूज़ करना आया ही नहीं, मेरा पूरा वो बट हो गया। और मैंने वापस से आई मूवी डाउनलोड करके वीडियो एडिट किया रात को, क्योंकि मुझे इस पर काम ही नहीं हो पाया, आदत पड़ गई ना आई मूवीज़ की, तो उसी पे काम किया है सारा कल रात को। अभी नहा धो के फ्रेश हो गए, एकदम पूजा पाठ हो गई है, ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले हम इस रूम को ठीक करेंगे, क्योंकि पूरा गजड़ा रखा है रूम, बहुत गंदी हालत में है। फटाफट इसको ठीक करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस फाइनली रूम हो चुका है साफ एकदम, जाते हैं ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, नाश्ता क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा, मेरा ब्रंच हो जाता है, तो ये मेरा लंच और ब्रेकफास्ट साथ में है। मम्मी ने बनाई है करेले की सब्ज़ी, पता नहीं आप लोग खाते हो नहीं, मैं तो बहुत पसंद से खाता हूँ करेले की सब्ज़ी, रोटी और दही। लेट्स हैव इट। गाइस ये आ गया अपना ब्रंच, रोटी, थोड़ा सा सैलड, सैलड पेट के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रूट या सैलड कुछ भी खाओ, करेले की सब्ज़ी और दही। लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस खाना खाने के बाद ना पता नहीं क्या होता है, अभी सुबह मैंने जब वो ब्रंच किया था ना, तो ब्रंच करते ही इसके बाद ऐसी नींद आई है कि पूछो मत, मतलब आलस हो जाता है सैटरडे संडे के दिन भी ना, इतना आलस हो रहा है। देखो मेरी शक्ल देखो, एकदम नींद में उठा हूँ, लेकिन बाल आज फिर भी ना बहुत अच्छे बाउंसी हो रखे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब बाल तो आज सेट हो रखे हैं। डेली ना हालत ख़राब हो जाती है, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो बाल ख़राब हो जाते हैं, आज सैटरडे संडे के दिन एकदम सही रहते हैं, मतलब जब कहीं निकलना नहीं होता घर से बाहर। मोस्टली मैं अभी नहीं जा रहा हूँ घर के बाहर, मतलब यही है कि कोविड है यार, कोविड का थर्ड वेव भी आने वाला है, तो आप लोगों को बोलूँगा जितना घर पर रहो उतना बेटर है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। घर पर रहो, इन्जॉय करो, चिल करो, मस्ती करो, बहुत है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कल आपको मैंने बताया था ना कि प्ले स्टेशन एक बार चेक करते हैं, बहुत टाइम हो गया प्ले स्टेशन चलाए हुए, तो आओ चलो एक बार प्ले स्टेशन को देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया प्ले स्टेशन खेले हुए। गेम्स वगैरह भी मैंने इसमें डाल तो रखी है, पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया है टेकन वेकन खेले हुए, तो एक बार आज खेल कर देखते हैं प्ले स्टेशन कैसे चल रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या करना होगा ना, सबसे पहले मेरे को इसमें से अमेज़ॉन प्राइम का जो है उसको हटा के और सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना वो यूएसबी होता है, फिर एचडीएमआई पोर्ट है, एक में स्टेशन लगा हुआ है, एक में अमेज़ॉन प्राइम का फायर स्टिक लगा हुआ है, वो फायर चेंज करके देखते हैं। तो फाइनली मेरे को सक्सेस मिल चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो प्ले स्टेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें अपना सेलेक्ट कर लूँगा। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतने दिनों के बाद प्ले स्टेशन, मतलब घर में पड़ा रहता है, बहुत लोग होता है कि उनके पास प्ले स्टेशन नहीं है तो वो मन करता है, जिसके पास पड़ा होता है वो खेल नहीं पाता है, क्योंकि मोस्टली देखो टाइम भी कभी कभी नहीं मिलता है, ऑफिस जाना होता है, हर जगह जाना होता है। आज एक टेकन गेम खेल के देखते हैं फटाफट। आप मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने बचपन में टेकन खेला है, वो जो सिक्के वाले कॉइन्स आते थे ना, कितने लोगों ने खेला है भाग भाग के? मैं तो बहुत पिटा हूँ यार, मम्मी ने ना वो गेम स्टेशन पे आके इतना मारा है ना मेरे को, और घसीट घसीट के घर लेके जाती थी, तो इसीलिए ये प्ले स्टेशन लिया, उसमें सबसे पहले यही गेम डाउनलोड किया टेकन। फाइनली इट स्टार्टेड। इसमें हम एक ऑफलाइन मैच खेल के देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो काफ़ी टाइम ले लिया कनेक्ट करने में, तो ऑफलाइन आपको एक गेम खेल चुका था। आप बताओ आपका सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है टेकन में? मैं तो कह लूँगा पॉल से, मेरा फेवरेट। Welcome to the Kingdom Hearts Fist Tournament 7. All
ये होता है जब आप इतने टाइम के बाद खेलते हो। आप बताना कौन जीतेगा? बस तो यही था आज का गेम प्ले, छोटा थोड़ा बहुत जो भी गेम प्ले था। अब बिल्ली को एक बार दूध पिला देते हैं, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने बैठूँगा, क्योंकि आज तो मैंने वहाँ बहुत सोया हूँ, कुछ खास काम किया ही नहीं आज। तो बस वो बिल्ली को दूध पिला के उसके बाद फिर एडिटिंग चालू। गाइस अभी मैं बिल्ली को दूध पिलाने गया था और देखा तो बिल्ली वहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गई है। क्योंकि ना आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वो जंप करके ना निकल जा रही है। पहले जब छोटी थी तो जंप करके बाहर बाउंड्री से बाहर जा नहीं पाती थी, बाउंड्री काफ़ी ऊँची है। जैसे मैं आपके पीछे देख रहा हूँ इतनी ऊँची बाउंड्री है पीछे वाली मेरे घर के पीछे, तो नहीं जंप कर पाती थी। आजकल कुछ दिनों से ना वो जंप करके बैठ रही है, बाहर घूम के आ रही है। तो अब मैं एक बार शायद थोड़ी देर के लिए उसका वेट करूँगा रात तक, अगर रात तक भी आती है ना तो उसको मैं दूध पिला दूँगा या फिर कुछ रोटी वगैरह डाल के उसको खिला दूँगा। लेकिन मुझे अभी आज ऐसा शक हो रहा है कि शायद वो जा चुकी है हमेशा के लिए, और आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, जैसे बाहर जो स्ट्रे डॉग है उनके साथ भी कनेक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे फीलिंग आ रही है वैसी, तो आई होप ऐसा ना हो। कल देखते हैं, कल आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। आज का ब्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, जैसे वो आएगी दूध पिला दूंगा। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से। और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए। डेली कंटेंट जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा। टिल देन गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।